हाय फ्रेंड्स, मैं पम्पी ग्रीन गार्डन असम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी हैं। जैसे कि पिछले मैंने वीडियो में बनाई थी, मेरे गार्डन में पानी भर गया था फ्रेंड्स, तो अभी इन दिनों धूप निकल रही है तो पानी अभी सूख गया है, लेकिन मिट्टी में थोड़ी बहुत कीचड़ है, गीली है मिट्टी सारी। फ्रेंड्स ये देखिए, तो इन दिनों फ्रेंड्स मैंने अपने गार्डन में क्या क्या काम किया वही मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले मैं आप लोग को मेरे अभी क्या क्या फूल खिले हैं वो दिखाऊंगी एक नज़र। ये देखिए ब्लीडिंग हार्ट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है इनमें। टिकोमा देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये फूल खिलकर झड़ चुके जो स्टेम होते हैं वो इनमें बहुत सारे हैं। इससे मालूम पड़ जाता है फ्रेंड्स इनमें बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही थी। और ये देखिए फिर से नए नए कलियाँ भी आई हुई हैं। और इधर देखिए फ्रेंड्स, एक जोड़ा में भी फिर से कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, ज़्यादा बारिश के कारण इनमें उन दिनों फ्लावरिंग थोड़ी रुक गई थी, लेकिन जैसे ही धूप निकली तो फिर से इनमें थोड़ी बहुत, ये देखिए, कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई। और ये सफ़ेद वाला, और ये येलो देखिए, ये मेरा नया प्लांट है, मैंने हाल ही में इसको परचेस की थी। और इसकी तो क्या बात कहे फ्रेंड, बहुत ही अच्छी तरह से इनमें फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए नए नए कलियाँ भी आई हुई हैं। और ये सफ़ेद वाला रफ वैरायटी का था जो इनमें बहुत ही हैवी मात्रा में फ्लावरिंग हुई थी, अभी सभी झड़ चुके हैं। और ये पिंक देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा प्लांट है। और आज देखिए ये तीन येलो हिबिस्कस खिले हैं, इनमें भी ज़्यादा बारिश के कारण फ्लावरिंग रुक गई थी फ्रेंड्स, तो मैंने इसकी मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके इनमें एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट और एक चम्मच बोन मिल एक गमले में दी थी इसकी मिट्टी में, और अच्छी तरह से इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दी थी, तो इनमें फिर से अभी फूल खिलने स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे देखिए, बहुत यहाँ पे देखिए नए नए फिर से कलियाँ भी बनने स्टार्ट हो गई हैं। और इसमें देखिए बहुत सारे कलियाँ हैं और कुछ फूल खिले हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, क्रोसेंडा भी बहुत ही अच्छी तरह से इनमें भी फ्लावरिंग हो रही है। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने बेम्बू का एक स्टैंड बनाया है और उसके ऊपर मैंने ये रेन लिली का एक पॉट रख दिया है। कितनी अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और इधर मैक्सिकन पिटूनिया पिंक पर्पल खिले हैं, येलो रेन लिली, ये देखिए सफ़ेद वाला रेन लिली भी खिला हुआ है। और मैंने इन दिनों यहाँ पे जेड प्लांट और फान की कुछ कटिंग लगाई थी, और ये डेविल्स बेगोन की वेरीगेटेड है तो ये भी कटिंग मेरी लग गई है। और इधर मैंने एक जेड प्लांट की कटिंग लगाई थी छोटा सा एक पॉट पे, जो कि मैं इसको बोनसाई लुक देने जा रही हूँ। और ये दूसरा, ये भी अच्छी तरह से लग गई। और इधर मैंने पॉटन का ये कटिंग, यहाँ लंबा जा रहा था तो मैंने इसके यहाँ से कट कर दी और यहीं पे लगा दी, और ये भी मेरी कटिंग लग गई। और यहाँ से भी नया
ये देखिए एरियल रूट से यहाँ से नया एक छोटा सा पत्ता निकल रहा है। और मेरे मॉस रोज देखिए कितनी अच्छी तरह से खिले हैं फूल इसके, और लॉलीपॉप में भी बहुत ही अच्छी तरह से नए नए कलियाँ और फूल भी खिले हैं। और इधर मेरे बोगनवेलिया देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं, इनकी मैंने थोड़ी बहुत प्रूनिंग कर दी थी इन दिनों, ये देखिए। और यहाँ से नए नए ब्रांचेस निकल आए हैं, छोटे छोटे निकल रहे हैं। और देखिए यहाँ से मैंने कट कर दी थी, तो इनमें देखिए कितनी अच्छी तरह से बहुत सारे नए नए ब्रांचेस निकल आए हैं। इन दिनों आप बोगनवेलिया की इसी तरह से प्रूनिंग कर दीजिएगा, तो इसमें से नए नए बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे। ज़्यादा बारिश के कारण फ्रेंड्स, पानी ज़्यादा होने के कारण मेरे यहाँ जो जरबेरा बहुत सारे ख़राब हो गए फ्रेंड्स। यहाँ पे दो प्लांट थे मेरे, वो भी ख़राब हो गए, मर गए। ये तो ठीक ही चल रहा है। और यहाँ देखिए यहाँ पे भी थोड़े बहुत ख़राब हो गए हैं। और ये दूसरा मैंने जेड प्लांट की, देखिए हार्ट शेप देना चाह रही हूँ, देखेंगे क्या होगा। कटिंग लगाई थी फ्रेंड्स, कटिंग तो मेरी लग गई है बहुत ही अच्छी तरह से। और यहाँ फ्रेंड्स मैंने बोगनवेलिया की कटिंग यहीं पे लगा दी थी, तो ये भी लग गए हैं। और यहाँ नए नए छोटे छोटे ब्रांचेस भी निकल आए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी प्रूनिंग कर दी थी। और फ्रेंड्स ज़्यादा बारिश के कारण मेरे यहाँ पे एक रोज़ का प्लांट था वो ख़राब हो गया, ये देखिए टोटली ये मर चुका है, सूख गया है। और ये पेंटास में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग हुई थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी। अब मैंने इसकी थोड़ी बहुत प्रूनिंग कर दी है, ये देखिए प्रून करने से यहाँ से नए नए ब्रांचेस निकल आएंगे, फिर से इनमें फ्लावरिंग होगी, ये देखिए। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक बेम्बो का स्टैंड बनाया है, बेम्बो एक लगा के, जैसे कि यहाँ मैं कुछ प्लांट हैंग कर सकूं, ये देखिए। और ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, कैसा लगा फ्रेंड ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ज़्यादा बारिश के कारण फ्रेंड्स मेरे कुछ प्लांट तो ख़राब हो गए, लेकिन बाकी सब ठीक ही चल रहे हैं। तो दूर से फ्रेंड्स कुछ इस तरह का व्यू है मेरे गार्डन का, ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मेरा ये गार्डन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। अच्छा लगा तो लाइक शेयर, और मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।